पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी जर्सी अनाउंस कर दी है वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इंडिया में खेला जाएगा। और पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने सबसे पहले अपनी जर्सी अनाउंस की है। कॉन्फिडेंस देखें पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये चीजें पहले हम देखते थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ से कि यार वर्ल्ड कप से कोई महीना पहले ही वो अपनी किट अनाउंस कर देते थे। जबरदस्त ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इससे होगा ये जबरदस्त किट है, इससे होगा ये कि फैंस ये जर्सी पहले ही खरीद सकेंगे। यानी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच होगा, सारे फैंस वो जर्सी पहन के, वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप वाली शर्ट पहन के वो मैच देख रहे होंगे पाकिस्तान का। और पहले ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिस होती थी पाकिस्तान के मैच में। मतलब किसी ने 2015 की किट पहनी हुई है, किसी ने 2011 की पहनी हुई है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के मैच से इतनी देर पहले, तकरीबन महीने से ज्यादा टाइम है, उससे पहले ही आपने एक जर्सी अनाउंस कर दी है, ये जबरदस्त साइन है। और पीसीबी की वेबसाइट पर जाके आप ये जर्सी खरीद भी सकते हैं। पाकिस्तान की किट पे यहां पे पाकिस्तान का झंडा है और उसके नीचे एक स्टार है, एक सितारा है, जिसका मतलब ये है, एक सितारा है जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीता है 92 में 50 ओवर्स का, इसलिए यहां पे एक सितारा है। जो टीमें ज्यादातर हम देखते हैं कि जो टीमें 3 वर्ल्ड कप जीती हैं उनकी किट पे वो प्रेफर करते हैं कि वो 3 स्टार बनाते हैं, जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं वो 2 स्टार बनाते हैं। पाकिस्तान चूंकि एक वर्ल्ड कप जीती है 50 ओवर्स का, तो उन्होंने एक सितारा अपने यहां पे लगाया है, लेकिन ये सितारे 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का बड़ा रियलिस्टिक चांस है इस वर्ल्ड कप में। बड़ा आसान शेड्यूल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, टू बी ऑनेस्ट। आपके पहले 2 वार्म अप मैच हैदराबाद में है, आपके वर्ल्ड कप के पहले 2 मैच हैदराबाद में है। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को जो इंडिया वाला हैदराबाद है वो पाकिस्तान वाला हैदराबाद लग रहा होगा। इतनी अच्छी कंडीशन होंगी, इतनी घर वाली कंडीशन होंगी कि आप कोई 10-15 दिन, बल्कि 18-19 दिन आप शायद हैदराबाद में ही हो, तो आपके लिए कितना आसान होगा वहां पे एडजस्ट हो। वर्ल्ड कप की किट पे अगर मैं वापस आऊं तो बड़े लोग हैं जो कहेंगे यार बिल्कुल फारिक किट है, कुछ लोग कहेंगे यार बड़ी अच्छी किट है। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, ये जब कोई किट आती है या कोई पीएसएल का एंथम आता है या किसी फ्रेंचाइज का कोई एंथम आता है, तो हमेशा जो ओपिनियन है वो बंडी होती है 2 पार्टियों में। एक पार्टी कहती है कि यार बहुत अच्छा है, दूसरी पार्टी कहती है कि यार बिल्कुल फारिग है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज रिवील होती है तो उसकी डिस्कशन सोशल मीडिया पे, उसकी हाइप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑनेस्टली किट अच्छी है। मुझे याद है ये जो हमारा पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, उसमें जब जर्सी आई थी तो उसका लोगों ने कंपैरिजन किया था वाटरमेलन के साथ कि ये क्या वाटरमेलन जैसी किट है। लेकिन बिलीव मी, ग्राउंड में वो जर्सी इतनी अच्छी लग रही थी पाकिस्तान की, स्पेशली पीछे से, मतलब जो फॉन्ट था, जो स्टाइल था, वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मजा आ रहा था देखने का, और टीवी में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। उसी तरह ये भी किट अभी तक जो जनरल ओपिनियन है आवाम की, कोई ज्यादा किसी ने आड़े हाथों नहीं लिया पाकिस्तान को, शुक्र है। लेकिन जो ज्यादातर लोगों की राय आ रही है वो यही आ रही है कि यार बड़ी अच्छी किट है। सो आपको अच्छी लगे ना लगे, एक ये सारी चीजों को साइड पे रखें, आपकी ये वर्ल्ड कप की किट है, इस किट को खरीदें, इस शर्ट को खरीदें, इस जर्सी को खरीदें, और इसको पहन के जो पाकिस्तान का मैच देखने का मजा है ना भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो आपने जर्सी लाजमी खरीदनी है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।